हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ चेफ वंदना ठाकुर। आज हम बनाएंगे आलू पकोड़े। इसके मौसम में गरम गरम पकोड़े मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है। तो आज हम बनाएंगे गरम गरम आलू के पकोड़े। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। आलू के पकोड़े बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे, ये हमने दो आलू लिए थे। इसको हमने छील के धो के पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल, पानी, बारीक कटा हरा धनिया, नमक, मिर्ची पाउडर, आधा कप बेसन, अजवाइन, हल्दी पाउडर, हींग, चिल्ली फ्लेक्स। हमने एक बॉल लिया, उसमें हमने जो बेसन लिया था उसे डाल देंगे। अजवाइन को डालें। अजवाइन को हाथों पर डाल के थोड़ा क्रश करके उसको जब डालें उससे खुशबू भी अच्छी आएगी और अजवाइन का टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। जो हमने बारीक कटे हुए धनिया लिए थे उसको भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम इसका एक बैटर बनाएंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। बैटर को हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला, हमें मीडियम साइज़ का रखना है जिससे कि आलू की स्लाइस पर आराम से कोट हो जाए। हमारा बैटर बनके रेडी हो चुका है। कढ़ाई में हमने तेल रखा है गर्म होने के लिए। हमने आलू के स्लाइस लिए थे उसे हम बैटर में डालेंगे, कुछ इस तरह से कोट करके ऑयल में डालेंगे। ऐसे ही सभी आलू को हमें कोट करके ऑयल में डालना है फ्राई करने के लिए। अब हम इसे पलटेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पकौड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है। देख सकते हैं हमारे पकौड़े बन गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे। प्लेट में हमने टिश्यू पेपर ले लगा लिया था। अब हम इसमें पकौड़ों को निकालेंगे कि हमारे जो पकौड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। सेम प्रोसेस से हम दूसरे पकौड़ों को भी बना लेंगे। देख सकते हैं हमारे दूसरे पकौड़े भी बनके रेडी हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम इसे भी प्लेट में डाल लेंगे। चटनी के साथ, टमाटर के केचप के साथ या फिर चाय के साथ, चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बारिश का सीज़न है, चाय बनाएं, पकौड़े बनाएं और खाएं। और हमें कमेंट करके बताएं हमारी पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।